साथियों स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन, सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर देंगे। और दोस्तों हिंदी साहित्य की डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। अगर आप दोस्तों रोज प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, हिंदी साहित्य की रोज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये हिंदी साहित्य की डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है जिसकी वैलिडिटी एक साल है। और रोज़ सुबह 8 बजे दोस्तों ये टेस्ट आपका ओपन होगा और आप इस टेस्ट को ऑल टाइम कभी भी लगा सकते हो, ठीक है। तो जिन भी साथियों को डेली टेस्ट सीरीज में भाग लेना है तो मात्र 499 में इस कोर्स में एडमिशन लगा लेकर दोस्तों अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई जो मात्र 599 में दोस्तों इसमें एडमिशन लेकर के आप आज एडमिशन लोगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, टेस्ट आराम से आप लगाते रहेंगे। तो जिनको भी इसमें एडमिशन लेना है वो साथ ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और साथ ही दोस्तों एडेड जूनियर सुपर टेट के लिए 100 नंबर हिंदी का मॉडल पेपर लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो 100 नंबर हिंदी का मॉडल पेपर जिनको भी इसमें अपना टेस्ट लगाना है दोस्तों और पता करना है कि हिंदी में हम कितने गहरे पानी में हैं, वो सभी साथी ये एडेड जूनियर सुपर टेट में मात्र 350 में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर ले सभी साथी, वीडियो को एक बार लाइक कर दें। और स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन, तो आपको बताना है कि हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आज अपन निबंधकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, निबंधकारों के बारे में चर्चा करेंगे। सभी साथी तैयार हैं तो फटाफट से आज के क्वेश्चन का उत्तर लगाने के लिए तैयार हो जाएं। आपके लिए पूछा गया है कि हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है, आपको कमेंट में लिखना है, जल्दी से सभी लोग लिखेंगे दोस्तों। हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन माने जाते हैं, ये आपका प्रश्न क्रमांक एक है, आपको चयन करना है। और लगभग सभी लोगों ने आंसर बताया है कि सर हिंदी के जो प्रथम निबंधकार हैं वो निबंधकार हैं कौन, भारतेंदु हरिश्चंद, यानी कि एक नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन, पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपने भारतेंदु मंडल का नाम सुना होगा, कहाँ पर, भारतेंदु युग में। उस भारतेंदु मंडल में सबसे वरिष्ठ माने जाते थे कौन, पंडित बालकृष्ण भट्ट। और इनको हिंदी का प्रथम निबंधकार मानने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन है, प्रश्न क्रमांक दो में। और आपका उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सर डॉक्टर श्री कृष्ण लाल, यानी आपका उत्तर बी नंबर जो है ये बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर। स्वर्ग की विचार सभा निबंध कृति के लेखक कौन है, स्वर्ग की विचार सभा निबंध कृति के लेखक कौन है, प्रश्न क्रमांक तीन में आपको उत्तर बताना है। स्वर्ग की विचार सभा निबंध कृति के लेखक कौन माने जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक तीन है। और तीन में स्वर्ग की विचार सभा, तो बोले सर कहां पर होती है, भारत में होती है, कहां पर होती है, भारत में होती है, ठीक है। संगीता जी, शशि जी, विनीता जी, वेरी गुड, स्वर्ग की विचार सभा कहां होती है, भारत में, तो उत्तर हो जाएगा भारतेंदु, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है, प्रथम निबंध कौन सा है, आत्मगौरव, माता का स्नेह, चंद्रोदय, या फिर आपको बताना है, बहुत बढ़िया, कलिराज की सभा, यानी कि चार नंबर आपको बताना है। जो भी साथी डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो एक डेली प्रैक्टिस सेट की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, वो डेली प्रैक्टिस सीट 25 तारीख से स्टार्ट होगी। रोज़ सुबह 8 बजे आपको एक टेस्ट पेपर मिलेगा, है ना, उस टेस्ट पेपर को आप ऑल टाइम दिन भर में कभी भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, है ना। और यहाँ पर चार नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कलिराज की सभा, यानी कि आपका डी नंबर। देखो यहाँ पर याद रखते ना, स्वर्ग की विचार सभा भारतेंदु और कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का निबंध माना जाता है। भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक पांच में आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार और सर्वाधिक निबंध भी लिखे हैं उन्होंने,
तो यहां पर आपको प्रश्न क्रमांक 5 में बताना कि भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है। एक बार जल्दी से बता दो, एक बार लाइक कर दो और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को सभी साथी डाउनलोड कर ले साथियों, है ना, और इस सेशन से निरंतर जुड़े रहना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और यहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या सही है, ये बाल कृष्ण भट्ट दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बादशाह दर्पण के लेखक कौन है दोस्तों, बादशाह दर्पण के लेखक कौन है, बादशाह दर्पण ये बताना है, ये निबंध किसका है, प्रश्न क्रमांक 6 में। लाइक करते रहें सभी साथी, शेयर करते रहें अपने मित्रों तक। और यहां पर बादशाह, बोले बादशाह तो सर भारत में बहुत बादशाह हुए हैं, है ना, ये बादशाह है, वो बादशाह है ना, बहुत सारे बादशाह हुए हैं। यहां पर बादशाह दर्पण के जो लेखक है वो लेखक कौन है, बोले सर भारतेंदु हरिश्चंद, है ना, भारत में ही हुए ना बादशाह, तो बादशाह दर्पण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर। राधा चरण गोस्वामी का निबंध कौन सा है, तदीय सर्वस्व, संगीत सार, यमलोक की यात्रा, या फिर एक अपूर्व स्वप्न। जल्दी से आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। फटाफट से प्रश्न क्रमांक 7 में, और 7 का आंसर है आपका सी नंबर, यानी कि यमलोक की यात्रा, सी नंबर सही है, राधा चरण गोस्वामी का निबंध है यमलोक की यात्रा, ठीक है, वेरी गुड आंसर, सी नंबर। निबंध संग्रह साहित्य नवनीत के लेखक कौन है दोस्तों, साहित्य नवनीत के लेखक कौन माने जाते हैं, प्रताप नारायण मिश्र, काशीनाथ खत्री, बालकृष्ण भट्ट, या फिर अंबिका दत्त व्यास। निबंध संग्रह साहित्य नवनीत के रचनाकार कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप और हिंदी साहित्य ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो सभी लोग कर लें। और बढ़िया तरीके से दोस्तों आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आपको बताना है, और इस साहित्य नवनीत के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर। भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक कौन है, भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है, श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 है, 9 का आंसर आपको बताना है कि भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक कौन है, प्रश्न क्रमांक 9 में। और 9 का आंसर आपका सीधा जाएगा कि सर भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक जो हैं वो लेखक हैं श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास, यानी कि आपका एक नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेखक रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप किस विधा में सर्वाधिक उभरती है, लेखक या रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप किस विधा में सर्वाधिक उभरती है, ये प्रश्न क्रमांक आपका 10 है, 10 का उत्तर आपको बताने, कहानी में, निबंध में, उपन्यास, या फिर कविता में, यानी कि प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, 10 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, है ना, ये क्वेश्चन आता है व्यक्तित्व की छाप किस विधा में सर्वाधिक उभरती है, ये 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और आपका सीधा आंसर जाएगा बी, यानी कि निबंध, निबंध आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप जो है निबंध में उभरती है, बी नंबर सही है। समझदार की मौत है निबंध के लेखक कौन है, समझदार की मौत है, ये निबंध किसका है बताइए, नीरज जी, मुकेश जी, समझदार की मौत है ये निबंध किसका है, ये निबंध के लेखक कौन है, भारतेंदु हैं, बाल कृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर प्रेम घन हैं, प्रश्न क्रमांक 11 में। और समझदार की मौत, अब समझदार की मौत हो जाए, है ना, तो उसका प्रताप होता है, समझदार की मौत का प्रताप बड़ा होता है, बोले सर प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, समझदार की मौत प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु जी के किस निबंध को विचार परक निबंध
और साहित्यालोचन दोनों विधाओं में रखा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर बताना, भारतेंदु जी के किस निबंध को विचार परक निबंध और साहित्यालोचन दोनों विधाओं में रखा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 12 में आपको चयन करना है और 12 का आंसर आपका हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा? नाटक। क्या हो जाएगा सही? नाटक। ठीक है, भारतेंदु के किस निबंध को विचार परक निबंध और साहित्यालोचन दोनों विधाओं में रखा जा सकता है, तो वो रखा जा सकता है दोस्तों नाटक, है ना। नाटक ये क्या है? नाटक निबंध है। और ये नाटक निबंध किसका है? नाटक निबंध ये भारतेंदु जी का नाटक निबंध है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसको याद करना है। अब यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हम बात करेंगे हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा। हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी या फिर डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने। प्रश्न क्रमांक 13, हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा है, ये आपका क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, गद्य प्रबंध किसने कहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और गद्य प्रबंध जो कहा है वो आपको बताना है, है ना। हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा, लाइक कर दें सभी साथी, अच्छा क्वेश्चन है। विनीता जी, मीना जी, मुकेश जी, ऋचा जी, बताइए। लवली ठाकुर जी, प्रश्न क्रमांक 13 में आपका उत्तर हो जाएगा आचार क्या है? आचार रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर बिल्कुल सही बताया वीनू जी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है दोस्तों, काश्मीर कुसुम के रचनाकार कौन है, है ना। सग रंजन एक किसकी रचना, सच्ची वीरता। सबसे पहले ए नंबर बताइए, काश्मीर कुसुम ये रचना किसकी है? बोले सर काश्मीर, तो कश्मीर कुसुम तो ये तो भारत में है, भारत में है तो भारतेंदु लगा दो, भारतेंदु जी की है। ठीक है, बी में ईश्वर भी क्या ठटोल है, ईश्वर भी क्या ठटोल है, ये दोस्तों किसकी है, है ना, ये है बाल कृष्ण भट्ट की। बोले ईश्वर भी क्या ठटोल है, पहले बाल देता है फिर बाल झड़वा लेता है, क्या ठटोल है, है ना, तो बाल कृष्ण भट्ट हो गया, बिल्कुल सही है। रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन तो आपको पता ही है कि सर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और उसके बाद याद करना है दोस्तों सच्ची वीरता, सच्ची वीरता किसकी रचना है, सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह की रचना है, इसको याद करेंगे। कश्मीर कुसुम याद रख लेना है भारतेंदु, है ना, ईश्वर भी क्या ठटोल है बालकृष्ण भट्ट, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, और सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह। यहाँ पर आपको बताना है निबंध गद्य की कसौटी है ये किसका विचार है। प्रश्न क्रमांक 15 में क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सभी लोग लाइक करते हुए शेयर करना अपने मित्रों तक। और निबंध गद्य की कसौटी है ये किसका विचार है आपको बताना है, बताइए। निबंध गद्य की कसौटी है, विचार किसका माना जाता है? सभी साथी दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, है ना। हिंदी साहित्य ऐप भी आपका दोस्तों लॉन्च हो चुका है, आप प्ले स्टोर में जाके हिंदी साहित्य ऐप भी दोस्तों कर सकते हैं। और बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपके लिए कोर्स लॉन्च किए गए हैं। और प्रश्न क्रमांक 15 में आपका उत्तर है कि सर ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, यानी सी नंबर आपका सही है, निबंध गद्य की कसौटी है कि रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हिंदी का माउंटेन किसे कहा गया, हिंदी का माउंटेन किसे कहा गया, ये आपका क्वेश्चन है। हिंदी का माउंटेन किसे कहा गया, प्रश्न क्रमांक 16 में। और माउंटेन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदी का माउंटेन किसे कहा जाता है, उत्तर होगा बाल कृष्ण भट्ट को, यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इन्हें हिंदी का क्या कहा जाता है, माउंटेन कहा जाता है दोस्तों। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है, भारतेंदु जी को, सदा सुखलाल को, बालकृष्ण भट्ट को, या फिर लल्लू लाल जी को। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर है, 17 में आपको चयन करना है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है, ये आपका बताना है, जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17 में। और 17 का आंसर है आपका ए नंबर, ए यानी कि भारतेंदु, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है किसको, भारतेंदु जी को। ठीक है, ये जिन्होंने लगाया है 17 नंबर में,
उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, भारतेंदु जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? वो हैं दोस्तों शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा? अब एक चीज तो ये है दोस्तों कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, तो हिंदी का एडिशन कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र को। ठीक है, अब किसने कहा है ये भी आपको बताना है, हिंदी का एडिशन जल्दी से बताएं और आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि सर प्रताप नारायण मिश्र को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। एडिशन यानी कि बी नंबर, बिल्कुल सही। कचहरी में सालीग्राम जी निबंध के प्रणेता कौन है, कौन है जल्दी बताएं। लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। यहां पर दोस्तों आपके लिए डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जूनियर सुपर टेट का 100 नंबर का मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है ना, और यहां पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स और हिंदी साहित्य में दोस्तों 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, पंजाब मास्टर कैडर का मॉडल पेपर पूरा कोर्स है ना, आप कर सकते हैं। कचहरी में सालीग्राम जी निबंध के प्रणेता कौन है, 19 का आंसर आपको बताना है और 19 में आपका उत्तर जा रहा प्रताप नारायण मिश्र यानी सी नंबर। कचहरी में सालीग्राम जी निबंध के प्रणेता हैं प्रताप नारायण मिश्र, सी नंबर आपका सही है। हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है, हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है प्रश्न क्रमांक बी में, और 20 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए फटाक से, सभी लोग बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोगों को चयन करना है दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और क्वेश्चन अच्छा है तो हिंदी में कलात्मक निबंध के जन्मदाता आपसे पूछा गया और आपने सही उत्तर लगाया है रामचंद्र शुक्ल यानी डी नंबर। ठीक है, ये कलात्मक निबंध के जन्मदाता हैं। विचार बीती में किसके निबंध संग्रहित हैं, 21। लाइक कर दें एक बार सभी साथी, शेयर कर दो अपने मित्रों तक। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सभी साथी ऐप डाउनलोड करके और दोस्तों लग जाएं अपनी अपनी दोस्तों कोर्स में। विचार विधि में किसके निबंध संग्रहित हैं और सीधा आंसर आपका 21 का आंसर जाएगा कि सर विचार विधि में रामचंद्र शुक्ल के, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ए नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। यहां पर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है प्रश्न क्रमांक 22 में, 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है ये आपका प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22, और 22 में भाषा का जादूगर जो कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों किसको, किसको कहा जाता है, बी नंबर यानी शिव पूजन सहाय को, भाषा का जादूगर कहा जाता है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा का जादूगर है ना, वेरी गुड आंसर है ना। आचार्य शुक्ल का मनोविकार संबंधी निबंध कौन सा है, क्वेश्चन भी कई बार आया है, विनीता जी बताइए, पंकज कुमार जी, दारसु शर्मा जी, आचार्य शुक्ल का मनोविकार संबंधी निबंध कौन सा है, 23 में आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे प्रश्न क्रमांक 23, और 23 में आपका आंसर जा रहा है क्या जा रहा है बताइए, वेरी गुड, श्रद्धा भक्ति ये जो है ये मनोविकार संबंधी निबंध है, यानी आपका उत्तर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आचार्य शुक्ल का मनोविकार संबंधी निबंध है श्रद्धा भक्ति। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध कौन सा है, रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध कौन सा है, श्रद्धा भक्ति, करुणा, उत्साह या फिर साहित्य, 24 का आंसर, 24 में आपको चयन करना है, रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध कौन सा है, ये 24वां आंसर है और आंसर आपका सीधा जाएगा साहित्य, कौन सा है भैया, साहित्य, डी नंबर राइट आंसर, शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध कौन सा है तो साहित्य है। आचार्य शुक्ल के निबंध 1903 ईस्वी में विचार बीथी, विचार बीथी नाम से प्रकाशित हुए थे, वे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए बताएं, 25 का आंसर है, सभी लोग बताएंगे कि आचार्य शुक्ल ने निबंध दोस्तों 1930 ईस्वी में ये विचार बीथी नाम से प्रकाशित हुए,
बाद में ये किस नाम से प्रकाशित हुए, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों प्रश्न क्रमांक 25 की अगर बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, यानी कि चिंतामणि भाग एक एवं भाग दो है ना, और कुल मिला के ये कितने भागों में है दोस्तों, चार भागों में है ना। तो यहाँ पर आपका एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, चिंतामणि नाम से हुआ है। निबंध सम्राट किसे कहा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, निबंध सम्राट किसे कहा जाता है, 26 का आंसर आपको चयन करना है। बताइए निबंध सम्राट किसे कहा जाता है, एक बार लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करते रहें है ना। और दोस्तों निबंध सम्राट आपसे पूछा गया है, प्रश्न बड़ा अच्छा है और 26 में आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर निबंध सम्राट पूछा है, तो उत्तर रामचंद्र शुक्ल, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर होगा। साहित्य देवता की विधा क्या है, साहित्य देवता की विधा बताना है, कविता है, कहानी है, नाटक है या फिर निबंध है। साहित्य देवता की विधा क्या है, विधा, विधा आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 27 में है ना। और साहित्य देवता के रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर सभी लोग बताएंगे, और ऐसे कौन से साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। हिंदी साहित्य देवता ये निबंध रचना है दोस्तों, और आपको पता है कि ये निबंध है तो इसके रचनाकार कौन है, बताइए जल्दी से। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है, स्मृति की रेखाएं ये किसकी रचना है, जैनेन्द्र कुमार की या फिर राम वृक्ष बैनीपुरी, माखनलाल चतुर्वेदी, रमेश रश्मिगिरी जी, बहुत बढ़िया है ना, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्मृति की रेखाएं एक किसकी रचना मानी जाती है, प्रश्न क्रमांक 28 में, और स्मृति की रेखाओं में आपका राइट आंसर जाने वाला है महादेवी वर्मा। ये वही महादेवी वर्मा है जो छायावाद के आधार स्तंभों में इनका नाम लिया जाता है दोस्तों। इनका जन्म भी हुआ था तो 1907 में हुआ था, वेरी गुड। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है, अतीत के चलचित्र, अच्छा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 29 में, अतीत के चलचित्र की रचना किसकी है। और साथियों ऐसे कितने साथी हैं जिनको डेली टेस्ट सीरीज में भाग लेना है, ऐप पर डेली टेस्ट सीरीज दोस्तों लॉन्च हुआ है, ये कोर्स है, इस कोर्स में भाग लेकर के आप डेली टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। अतीत के चलचित्र आपसे पूछा गया 29 में, और ये नंबर है आपका महादेवी वर्मा, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा राइट आंसर। श्रृंखला की कड़ियां किसकी रचना है, श्रृंखला की कड़ियां 30 नंबर में, श्रृंखला की कड़ियां ये किसकी रचना है, निर्मल वर्मा की, महादेवी वर्मा की, धर्मवीर भारती या फिर कुबेरनाथ राय की। श्रृंखला की कड़ियां ये किसकी रचना है, प्रश्न क्रमांक 30 में आपको बताना है, और 30 में आपका सीधा सीधा आंसर जा रहा है, क्या जा रहा है, श्रृंखला की कड़ियां, सर ये जो रचना है ये महादेवी वर्मा की निबंधात्मक रचना है ना, श्रृंखला की कड़ियां ये कई बार पूछी गई रचना है दोस्तों, तो आपको बी नंबर सही लगाना है। अब यहाँ पर आपको बताना है चाबुक किसकी है, ब्राह्म चिन्ह के रचनाकार कौन है, विचार और वितर्क के रचनाकार कौन है, देखा सोचा समझा ये किसकी रचना है, तब आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये चाबुक तो जब पढ़ता है तो निराला ही लगता है, अगर आपको एक चाबुक पढ़ जाए तो बड़ा निराला ही महसूस होगा है ना, तो चाबुक निराला। ब्राह्म चिन्ह, ब्राह्म चिन्ह ये किसकी रचना है दोस्तों, तो ब्राह्म चिन्ह राम विलास शर्मा, राम विलास शर्मा। विचार और वितर्क, हजारों विचार और वितर्क होते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखा सोचा और समझा ये यशपाल की रचना है। ठीक है, तो चाबुक के रचनाकार निराला, ब्राह्म चिन्ह राम विलास शर्मा, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखा सोचा समझा यशपाल। ठीक है, इनको याद करेंगे उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, सभी साथी पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने मित्रों को शेयर भी कर दो। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध बताना है कौन सा है, 32 में बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है, फिर निराश क्यों, मजदूरी और प्रेम, यमलोक की यात्रा या फिर कवि और कविता। तो साथियों
आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आपके लिए दोस्तों बढ़िया मॉडल पेपर लॉन्च किया गया, 100 नंबर हिंदी के लिए मॉडल पेपर, भाग ले सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है प्रश्न क्रमांक 32 में, 32 का आंसर आपको चयन करना है और यहाँ पर आपका आंसर जाएगा कवि और कविता। कवि और कविता ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अब दोस्तों आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म बताना है कब हुआ, जल्दी से बताओ। ये आपका कवि और कविता तो आपको पता चल गया, आपसे कभी आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कवि और कविता ये किसका निबंध है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। अब ठलुआ क्लब, ये रचना भी कई बार पूछी गई 33 में, ठलुआ क्लब के रचनाकार कौन है, गुलाब राय हैं, पदम सिंह शर्मा हैं, वियोगी हरि हैं या फिर हरि शंकर परसाई हैं। 33 में आपको चयन करते हुए आगे बढ़ना है। एक बार लाइक कर दें सभी साथी, मजा आ जाएगा दोस्तों, है ना, शेयर कर दें अपने मित्रों तक, ठीक है। ठलुआ क्लब के रचनाकार आपको बताना है, अच्छा क्वेश्चन है, ठलुआ क्लब पूछा जाता है और ठलुआ क्लब में हमें क्या लेके जाना है, बोले सर ठलुआ क्लब में हमें लेके जाना है क्या, गुलाब, गुलाब लेके जाना है, तो गुलाब से बनेगा आपका गुलाब राय, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, गुलाब राय आपका राइट आंसर, वेरी गुड। प्रकाशन काल, प्रकाशन काल के क्रम में सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है आपको, ये प्रकाशन काल के क्रम में सुमेलित करना है। प्रश्न क्रमांक अपना दोस्तों 34 है, 34 का आपको चयन करना है, प्रकाशन काल के अनुसार बताइए सही क्या है, है ना, और सही आंसर आपने लगाया है, बताएं, चार विकल्प हैं, अनुमान लगाएं और अनुमान लगाते हुए दोस्तों आगे बढ़ें। प्रकाशन काल के अनुसार सुमेलित करना है और यहाँ पर 34 का आंसर, आंसर है न्याय का संघर्ष, श्रृंखला की कड़ियाँ, माटी की मूर्तें और अशोक के फूल, है ना, यानी कि दोस्तों न्याय का संघर्ष 1940, ठीक है, ये 1942 की रचना है, उसके बाद दोस्तों 1945 की ये रचना है और उसके बाद ये 1948 की रचना है, ठीक है। तो इनको अपन को याद करना है, न्याय का संघर्ष 40, ठीक है, 42, 45 और 48, ठीक है, तो ये बी नंबर तो आपका बिल्कुल सही होगा। गेहूं और गुलाब, उजली आग और कुटज निबंधों के लेखकों का सही अनुक्रम क्या है, सही अनुक्रम, अच्छा क्वेश्चन है। गेहूं और गुलाब, उजली आग और कुटज निबंधों के लेखकों का सही अनुक्रम क्या है, तो आपको चयन करना है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 35 में आपका सही उत्तर बताना है। गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है, उजली आग के रचनाकार कौन है, कुटज के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बैनीपुरी, उजली आग दिनकर, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, तो आपका सही आंसर कहाँ पर जा रहा है, गेहूं और गुलाब के रचनाकार तो राम वृक्ष बैनीपुरी हैं, ठीक है, उजली आग के रचनाकार कौन है, उजली आग दिनकर की रचना है, दिन में उजली आग, ठीक है, उसके बाद कुटज, तो बोले हजारों बार कुटज, तो कुटज हजारों हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका, बापू की कुटिया में के लेखक कौन है, बापू की कुटिया में, बापू की कुटिया में महादेवी वर्मा का है, निराला का है, राहुल सांकृत्यन का है या फिर बैनीपुरी का है। प्रश्न क्रमांक 36 का आंसर बताना है, 36 का आंसर क्या हो जाएगा, बापू की कुटिया में, बापू की कुटिया में इसके लेखक कौन माने जाते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बापू की कुटिया में, बापू की कुटिया में बिल्कुल सही आंसर बता रहा है आप लोग 36 में, कि सर बापू की कुटिया में अगर लेखक पूछा गया है तो बोले बापू की कुटिया में क्या लगा है, वृक्ष लगा है, वृक्ष, तो वृक्ष से क्या बनेगा, राम वृक्ष बैनीपुरी, अपन ने याद किया था ना, बापू की कुटिया में वृक्ष लगा है, है ना। आप क्या हैं, ये निबंध के निबंधकार कौन है, आप क्या हैं बताइए, आप क्या हैं ये किसका निबंध है, विष्णु प्रभाकर का, धर्मवीर भारती का, विष्णुकांत शास्त्र शर्मा का या फिर शांति प्रिय द्विवेदी का, आप क्या हैं
आप क्या हैं, निबंध के निबंधकार कौन हैं, निबंध के निबंधकार आपको बताना है आप क्या हैं 37 में। और सभी साथी लाइक जरूर जरूर कर दें एक बार और अपने मित्रों तक शेयर कर दें दोस्तों, है ना। आप क्या हैं ये निबंध पूछा गया है, क्वेश्चन अच्छा है और 37 में आपका आंसर जा रहा है विष्णु प्रभाकर, यानी कि आपका एक नंबर जो है ये बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका सही है, राइट आंसर है। शुद्ध कविता की खोज ये किस प्रकार की रचना है, शुद्ध कविता की खोज ये किस प्रकार की रचना है, काव्य संग्रह है, निबंध संग्रह है, कहानी संग्रह है या फिर इनमें से कोई नहीं। 38 का आपको उत्तर बताना है, शुद्ध कविता की खोज के किस प्रकार की रचना है, शुद्ध कविता की खोज ये किस प्रकार की रचना है 38 में आपको बताना है, 38 में आपको उत्तर बताना है। और आपका उत्तर है शुद्ध कविता की खोज के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार कौन है, इस किस प्रकार की रचना आपको बताना, मतलब इसका काव्य रूप क्या है, तो आपका उत्तर है निबंध संग्रह। अब इसके रचनाकार भी आपको बताना, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है बताइए, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है आपको बताना है, उत्तर क्या होगा क्षण बोले कण मुस्काए, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों 39 में आपको चयन करना है और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना है। क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार कौन माने जाते हैं, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या फिर नरेंद्र कोहली। बोले सर क्षण बोले कण मुस्काए इसके रचनाकार आपने पूछा है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा कि सर अगर कन्हैया हमारे घर में आ जाएं, कन्हैया घर में आ जाएं तो क्षण क्षण बोल उठेगा और कण कण मुस्का जाएगा, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर जो है ये बिल्कुल सही है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर सी नंबर, वेरी गुड, है ना। गांधीवाद की सौ परीक्षा निबंध के लेखक कौन है, गांधीवाद की सौ परीक्षा निबंध के लेखक कौन है आपको बताना है। सभी साथी जिन भी साथियों को डेली टेस्ट सीरीज में भाग लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और दोस्तों एडमिशन लेकर के डेली टेस्ट सीरीज होगी, बिल्कुल 365 दिन एक टेस्ट रोज होगा, है ना, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको गांधीवाद की सौ परीक्षा 40 में आपको बताना है और गांधीवाद की सौ परीक्षा का यश बहुत बड़ा है, यश है तो यश से क्या हो जाएगा यशपाल, गांधीवाद की सौ परीक्षा का यश है, यश ठीक है तो यशपाल यानी डी नंबर आपका सही है, वेरी गुड। नेता नहीं नागरिक चाहिए, नेता नहीं नागरिक चाहिए 41 का आंसर आपको चयन करना है, नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार कौन है बताइए, सभी लोग बताएंगे नेता नहीं नागरिक चाहिए ये निबंध किसका है, दिनकर का है, हरिशंकर परसाई का है, श्रीलाल शुक्ल का है, ज्ञान चतुर्वेदी का है, नेता नहीं नागरिक चाहिए 41 का आंसर, और 41 में आपका उत्तर हो जाएगा, बोले कब चाहिए, दिन में चाहिए या रात में चाहिए, तो नेता नहीं नागरिक चाहिए ये निबंध के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो आपने बताया है कौन है, प्रश्न क्रमांक 41 में। प्रमोद जी, पंकज जी सी लगा रहे, श्रीलाल शुक्ल, संगीता जी, रेखा जी, नेता नहीं नागरिक चाहिए ये जो रचना है ये रचना है दिनकर की, किसकी रचना है, दिनकर की रचना है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, दिन में चाहिए दिनकर। राम जी की चीटी और राम जी का शेर ये विधा बताना है, इसकी विधा क्या है, राम जी की चीटी और राम जी का शेर ये किस विधा की रचना है, लाइक करें सभी साथी, शेयर कर दें अपने मित्रों तक और इसी प्रकार से अध्ययन करते रहना है, लाइक शेयर करते रहना है दोस्तों और जुड़े रहना इस सेशन से। नेता नहीं नागरिक चाहिए ये निबंध के रचनाकार कौन है, प्रश्न क्रमांक 42 का आंसर आप, सॉरी ये तो अपना दिनकर हो गए, उसके बाद राम जी की चीटी और राम जी का शेर ये किस विधा की रचना है
ये विधा बताना, इसके रचनाकार भी आपको बताना है। रचनाकार भी बताइए जल्दी से, और इसकी विधा तो दोस्तों निबंध है, निबंध आपको पता चल गया, लेकिन इसके रचनाकार आपको ही कमेंट में लिखना है। राम जी की चींटी और राम जी का शेर, ये किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, ये किसका निबंध है, बताएं जल्दी से। तुम चंदन हम पानी, ये निबंध किसका है। एक दो क्वेश्चन और आपसे मैं पूछ ले रहा हूँ ऐसे ही, तुम चंदन हम पानी, ये निबंध किसका है। मैंने कई बार आपको बताया है तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार कौन है। जल्दी से चयन करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है ना, जल्दी बताएं। तुम चंदन हम पानी, है ना, अपन ने पढ़ी ना रैदास की, रैदास जी के बारे में पढ़ा है कि तुम चंदन प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। और सुबि गुप्ता जी ने सबसे पहले बता दिया कि सर विद्या निवास मिश्र, बहुत बढ़िया, तुम चंदन हम पानी विद्या निवास मिश्र। एक और दोस्तों कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग निबंध संग्रह के लेखक कौन है, कस्तूरी मृग निबंध संग्रह के लेखक कौन माने जाते हैं, आपको चयन करना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कस्तूरी मृग निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं, बताएं, बताइए। संजय पाठक जी, अमिता सरकार जी, आयुष कुमार जी, कस्तूरी मृग निबंध संग्रह किसका है। और बहुत बढ़िया है, तुम चंदन हम पानी विद्या निवास मिश्र बिल्कुल सही है, कस्तूरी मृग देखते हैं, बहुत बढ़िया आंसर बताया कुसुम जी वर्णवाल ने, वेरी गुड, है ना। नीरज कुमार जी, शिव प्रसाद सिंह का दोस्तों निबंध है कौन सा, कस्तूरी मृग, है ना। कस्तूरी मृग को क्या चाहिए, बोले सर शिव का प्रसाद चाहिए, शिव का प्रसाद, बहुत बढ़िया। शिव वैष्णव की फिसलन, एक और क्वेश्चन है आपसे, है ना, वैष्णव की फिसलन के रचनाकार कौन है दोस्तों, 50 बताइए। वैष्णव की फिसलन, वैष्णव की फिसलन, ये निबंध कृति किसकी है, वैष्णव की फिसलन निबंध कृति के रचनाकार कौन है। ऋचा पांडे जी, रोली सिंह जी, बताइए वैष्णव की फिसलन के रचनाकार कौन है, अच्छा क्वेश्चन है, और आपका सीधा आंसर जाएगा वैष्णव की फिसलन के रचनाकार कौन माने जाते हैं, और आपका उत्तर है दोस्तों हरिशंकर परसाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही है ना, हरिशंकर परसाई वैष्णव की फिसलन। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, एक और क्वेश्चन, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, ये किसकी रचना है, बहुत बढ़िया, आप लोग तो बिना ऑप्शन के भी उत्तर बता रहे हैं। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के रचनाकार कौन है, कमला ठाकुर जी, मनोज कुमार जी, बताइए, दक्ष जी। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के रचनाकार कौन है, आपको बताना है, और देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बता पा रहा है। सभी को, सभी लोग बताएंगे, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के रचनाकार कौन है, और सबसे पहले आंसर बताया है उपेंद्र शर्मा जी, वेरी गुड, शिवदान सिंह चौहान, बिल्कुल सही। फिर श्वेता सिंह जी, शिवदान सिंह चौहान की रचना है दोस्तों भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। नीरज कुमार जी, वेरी गुड, शिवदान सिंह चौहान की रचना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, कुछ रामविलास शर्मा, कुछ नंदलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा, बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, है ना। तो भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के रचनाकार हैं शिवदान सिंह चौहान, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और जिन भी साथियों को ये एडेड जूनियर सुपर टेट मॉडल पेपर 100 नंबर हिंदी के मॉडल पेपर में एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। 20 मॉडल पेपर आपको यहाँ पर रहेंगे, है ना, और उसके बाद डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, एक साल के लिए डेली टेस्ट सीरीज, जिसमें रोज आपको डेली टेस्ट करवाए जाएंगे, है ना, सुबह 8 बजे एक टेस्ट आपके लिए रोज आएगा। इसमें जिसको भी कोर्स लेना है दोस्तों, एडमिशन लेना है, डेली प्रैक्टिस करना है, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप अभी डाउनलोड कर लें। ये ऐप है दोस्तों अपना सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, प्ले स्टोर में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। और हिंदी साहित्य की 10,000 प्रश्नों की दोस्तों सीरीज लॉन्च की गई है, और यहाँ पर
आपके लिए एक दोस्तों बढ़िया हिंदी साहित्य की निचोड़ पीडीएफ नोट्स कोर्स भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, रेखा बोरा जी, आस्था जी, रीना शर्मा जी, संगीता जी, नेहा राय जी, शांति देवी जी, मोहित जी, कल्पना जी, संगीता जी, विद्या जी, मुकेश जी, आस्था, रेखा जी, अजय शर्मा जी, प्रियंका जी, दारसू जी, संगीता जी, सभी साथियों के लिए धन्यवाद। संजय पाठक जी, विजय लक्ष्मी जी, है ना, और रानू मोर जी, संगीता, संगीता जी, संगीता प्रजापति जी, एंटरटेनमेंट जी, सभी साथियों के लिए धन्यवाद। बने रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें दोस्तों अपने इस चैनल को, और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और दोस्तों अध्ययन करते रहें, लाइक करते रहें। विश्वास मलिक जी, है ना, छाया द्विवेदी, जगिता आर जी, रीता कांत जी, ठीक है, कमल कुमार जी, वेरी गुड, शशि जी, सुबी गुप्ता जी, रोशनी जी, वेरी गुड, अंश जी, अर्पणा जी, पूनम, विजय लक्ष्मी जी, पंकज सिंह जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल पंकज सिंह जी, है ना, नीतू जी, सीमा रानी जी, प्रमोद जी, लालदास जी, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए। बस इतना।